सर सामने। कृपया सम्मानित करें। जन्म देता है और अमर हो जाता है इस देश के लिए। परिवार में जन्म लिया राज जिसने 1947, 1965, 1971 तमाम जगहों पे दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब दिया था। मैं ज्यादा कुछ ना बताते हुए सिर्फ अपने जुनिट और अपने वीर शहीद के बारे में चंद वर्ड बोलूंगा। अगर कुछ मैं गलत बोल दूं तो प्लीज उसे दिल पे ना ले। 7 नवंबर 2002 दिन वीरवार हमारे को इंफॉर्मेशन मिली। बुधवार रात 12 बजे के ऐसे ऐसे देश के गद्दार जो हमारी पब्लिक में आए हुए हैं, तो हमारे कंपनी कमांडर ने नीचे मैसेज किया कि सर ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन मिली है। तो वहां से ऑर्डर आ गया कि ऑपरेशन लॉन्च किया जाए। तो उस समय ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन रक्षक। पूरी वारदात वहां पे हुई सुनी है, हमारे तो रोंगटे खड़े होंगे सुनकर ही। इनके साथ तो ऐसा बीता होगा। मैं नमन करता हूं आज शहीद श्री राज सिंह जी को और उनकी पूरी फैमिली को जो भी आए हैं। साथियों, आपको पता है हमारी ये जम्मू कश्मीर जो स्टेट है ये बड़ी डिस्टर्ब है और कितनी स्टेटों से लोग यहां आए होंगे और यहां जहां से शहीद होकर गए हैं जितने हमारे बेल्ट फोर्स के जवान थे, पता नहीं कौन कौन सी स्टेट से आते हैं, लेकिन इतनी डिस्टर्ब है हमारी स्टेट कि यहां से बेचारे जब जाते हैं तो ये देखा नहीं जाता। साथियों, जाना तो सबने है, एक दिन सबको जाना है, लेकिन जो शहादत अपने देश के लिए अपने मातृभूमि के लिए जो शहादत पाते हैं, नाम इन्हीं का जिंदा रहता है। उपराज्यपाल महोदय जी के निर्देश के अनुसार और हमारी जो आज़ादी का हम 75वें साल पर हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं उसकी स्पिरिट में हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में जो हमारे डिफरेंट हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं उनको हमारे जो वीर शहीद हैं उनके नाम पर रिनेम किया जा रहा है। और उसके ही के क्रम में आज ये यहाँ पर चकड़ा विलेज में हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल चकड़ा का नाम हमारे शहीद राज सिंह जी के नाम पर, जो कि शौर्य चक्र अवार्डी भी हैं, उनके नाम पर ये किया जा रहा है। और इससे हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको ये शिक्षा मिलेगी कि हमारे जो वीर शहीद, उन्होंने देश के लिए रक्षा करते हुए अपना जीवन दिया, उनसे हम प्रेरणा मिले और उसके साथ साथ जब देश को ज़रूरत हो देश की रक्षा के लिए ज़रूर आगे बढ़ें।